अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भाई आना चाहते हैं कुवैत में, कोई काम नहीं जानते हैं, यानी कोई काम उनको नहीं मालूम है और किस काम में उनको आना चाहिए। अगर वो सिर्फ हेल्पर में आ जाते हैं तो कितनी सैलरी उनको मिलेगी। बहुत सारे ऐसे भाई हैं, मुझे कमेंट करते हैं कि भाई मैं किस काम में आना चाहिए और अगर आते हैं तो कितनी सैलरी मिलेगी। तो इस वीडियो में दोस्तों क्लियर करने वाले हैं कि आपको हेल्पर में कितनी सैलरी मिलेगी, क्या क्या काम आपको करना पड़ सकता है। पहले दोस्तों बात करते हैं, अगर आप घर खाते में आते हैं तो कितनी सैलरी मिलेगी फर्स्ट टाइम, या आप कंपनी में आते हैं हेल्पर में तो कितनी सैलरी मिलेगी फर्स्ट टाइम। पहले यह बात कर लेते हैं घर खाते की। घर खाते में आते हैं, हाउस बॉय के जॉब में आते हैं, तो आपको कितने घंटा काम करना होगा यह है दोस्तों आपके ऊपर कि आप किस जॉब में आ रहे हैं। मान लीजिए आप ड्राइवरी में आ रहे हैं तो आपको सुबह उठना पड़ेगा 6 बजे, बच्चों को मदरसा छोड़ना है, दिन में बीच बीच में टाइम मिलेगा बच्चों को छोड़ के आना, गाड़ी धुल के आराम करना है, फिर कहीं ड्यूटी लगेगी, फिर आपको ड्यूटी करने जाना है, नहीं तो फिर बच्चों को लेने जाना है। इसके बाद में शाम के टाइम बच्चे घूमने जाएंगे, मैडम घूमने जाएगी, ये काम रहेगा। तो यानी मान लीजिए आप सुबह 6 बजे उठेंगे, रात के 11-12 बज जाएंगे। अगर आप चाय और कावा के काम में आते हैं, यानी चाय और कॉफ़ी, उसको बोलते हैं दीवानिया के काम, इसमें अगर आप आते हैं तो इसमें मान के चलिए सुबह आपको 9-10 बजे सो के उठना होगा और रात के 1-2-3 भी बज जाते हैं दोस्तों। कभी कभी 2-3 बजे आपको सोना है, सुबह 9-10 बजे सो के उठना है। अगर आप मजरा में काम करने आते हैं, ऊँट का काम या बकरी का काम या खेती का काम, तो इसमें सुबह दोस्तों आपको 6 बजे उठना होगा, 5 बजे उठना होगा और रात में वही 8-9 बजे छुट्टी हो जाएगी, लेकिन वहीं पे रहना है आपको। अगर आप कुक के काम में आते हैं, यानी खाना बनाने के काम में आते हैं, तो इसमें दोस्तों आपको सुबह 5:30 बजे 6 बजे उठना होगा और रात के 10-11 बजे छुट्टी मिलेगी। कुल मिला के दोस्तों घर खाते में जो है आप हमेशा 24 घंटे की ड्यूटी होती है, काम कभी है कभी नहीं है, लेकिन आप ड्यूटी पे हाजिर रहेंगे। फर्स्ट टाइम दोस्तों सैलरी मिलती है घर खाते में 90 दिनार, 100 दिनार, 110 दिनार। 110 दिनार बहुत कम लोगों को मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आप चाय गावा का काम करने आ रहे हैं दीवानिया में, चाय कॉफ़ी बनाने के लिए, तो आपको सैलरी मिलेगा 90 दिनार, 80 दिनार या 90 दिनार, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। और ड्यूटी दोस्तों सबसे हार्ड इसमें रहता है, हर वक्त आपको तैयार बैठना है, कोई भी कोती आएगा उसको चाय गावा देना ही देना है आपको, साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और कई अरबी लोग कुछ सामान मंगाएंगे दुकान से ला के देना है। दीवानिया में दोस्तों ये काम होता है, इतने घंटा काम करना पड़ता है, इतनी सैलरी मिलती है। अब बात करते हैं अगर आप ड्राइवरी में आते हैं फ्रेश टाइम, तो सुबह दोस्तों और सोच उठना होता है सुबह 6 बजे और रात में 10-11 बज जाते हैं सोते सोते। हाउस ड्राइवरी के जॉब में दोस्तों कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, पर ये मान के चलिए दोस्तों आपको सुबह 6 बजे उठना है। दिन में टाइम मिलता है आराम करने के लिए, रूम में अपने आराम करते हैं ड्राइवर लोग, काम है तो कहीं जाएंगे वरना रूम में रहेंगे, बाहर कहीं नहीं जा सकते। मान के चलो दोस्तों सुबह 6 बजे से लेकर रात 10-11 बजे तक हाउस ड्राइवर की ड्यूटी रहती है, काम है तो जाएगा वरना रूम में रहेगा। हाउस ड्राइवर की दोस्तों सैलरी है 100 दिनार, तो ये सैलरी दोस्तों हाउस ड्राइवर की है। अब बात करते हैं बावर्ची की, जो लोग खाना बनाने आते हैं घर खाते में, तो उनको दोस्तों सैलरी मिलती है 100 दिनार, 110 दिनार। और बात करते हैं दोस्तों ड्यूटी की, तो ड्यूटी दोस्तों उनको सुबह उठना पड़ता है, जिस दिन मदरसा है उस दिन 5 बजे उठना पड़ेगा, मदरसा नहीं है तो 6-7 बजे उठना पड़ेगा। बावर्ची का काम ज़्यादा होता है दोस्तों, उसका काम ज़्यादा रहता है, क्योंकि दोस्तों उसको मदरसा होता है तो सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, बच्चों को नाश्ता वगैरह देना है, इसके बाद में वो खाना पीना बनाएगा, साफ सफाई करेगा, और दिन में दोस्तों 2-3 घंटा उसको
रेस्ट मिलता है, यानी 2 बजे से 4-5 बजे तक रेस्ट होता है, फिर 5 बजे किचन में आएंगे और रात में 10-11 बजे फिर वापसी। बावर्ची का काम ज़्यादा रहता है, इनकी सैलरी भी ज़्यादा रहता है। बावर्ची की सैलरी दोस्तों 100 दिनार, 110 दिनार, 120 दिनार तक मिल सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आप मजरे में आते हैं यानी खेत में काम करने के लिए आते हैं, या फिर ऊँट का काम, बकरी का काम करने के लिए आते हैं, मुर्गी का, इसमें सैलरी आपको मिलेगा 90 दिनार, 100 दिनार। ये लोग दोस्तों सुबह सो के उठते हैं 5-6 बजे और रात में 8-9 बजे सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस काम में गर्मी बहुत ज़्यादा होता है, इतना हार्ड यहाँ पे गर्मी होता है, इस गर्मी में इनको रहना होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, आप कंपनी में आते हैं हेल्पर में, तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी? इसमें दोस्तों कोई फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है दोस्तों कंपनी के ऊपर कि आप किस जॉब में आ रहे हैं। फ्रेशर में आप आते हैं, मान के चलिए दोस्तों कोर्ट में आप हेल्पर में आते हैं फ्रेश टाइम, तो आपको कम से कम 90 दिनार सैलरी मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी दोस्तों 120-130 दिनार तक मिल सकता है। ये सैलरी दोस्तों 120-130 सबको नहीं मिलता है। मान लीजिए आपको अच्छा एक्सपीरियंस है फिर भी आप हेल्पर में आए हैं, तब आपको 120-130 दिनार सैलरी मिलेगा। ज़्यादातर दोस्तों हेल्पर को 90 दिनार, 100 दिनार, 110 दिनार तक मिलता है, परेशर की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। लेकिन दोस्तों कंपनी में आने का फायदा है, फायदा ये है दोस्तों कि आप फ्रेशर आते हैं, कुछ काम नहीं जानते हैं, आप हेल्पर में आते हैं तो आपको 90 दिनार, 100 दिनार सैलरी मिलता है। आप यही 3-4 साल उसमें लगा देंगे कंपनी के अंदर, तो आप एक अच्छा कारीगर बन जाएंगे, एक अच्छा पैसा कमाने वाला बन जाएंगे। 4-5 साल के बाद दोस्तों आप 200-250-300-350 तक कमाने वाले बन जाएंगे कंपनी के अंदर। लेकिन अगर आप घर खाते में आते हैं, फ्रेशर ड्राइवर में आए, किसी भी काम में आएंगे, तो ये मान के चलिए दोस्तों 150 दिनार से ऊपर आपको सैलरी नहीं मिलेगा, 150-170-180 तक बस। इन कंपनी में 200 दिनार, 250 दिनार, 300 दिनार, 400 दिनार तक सैलरी आप उठा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, घर खाते में पैसा जल्दी बढ़ता है या फिर कंपनी में? तो घर खाते में दोस्तों साल में 10 दिनार बढ़ेगा एक बार, कोई फिक्स नहीं है कि आने के बाद हर एक घर में पैसे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। कुछ घर जो हैं अच्छे हैं वो 5-6 महीने बाद भी बढ़ा सकते हैं 10 दिनार, कुछ घर में 1 साल पे बढ़ाते हैं, कुछ घर में दोस्तों आप 2 साल भी रहेंगे तब भी नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है, कंपनी में आप हेल्पर में आते हैं और आप 5-6 महीने काम किया, आपको काम आने लगा, तो कंपनी में चांस है पैसा बढ़ने के। कंपनी में आने का दोस्तों ये फायदा है कि आपका काम का टाइम है कि 8 घंटे काम करना है, 10 घंटा काम करना है, इसके बाद आप फ्री हैं, काम आउट नहीं कर सकते आप, लेकिन आप रूम में बैठ सकते हैं, घूम टहल सकते हैं। कुछ कंपनी दोस्तों खाना देती हैं यानी राशन देती हैं और रूम देती हैं, कुछ कंपनी में आपको रूम मिलेगा, खाना आपका अपना रहेगा। लेकिन दोस्तों घर खाते में खाना बना बनाया घर से मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद से बनाऊं तो आप बात कर सकते हैं, आपको राशन